अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जय शंकर बोले अबे चुप चाइना है। तो देखते हैं भाई साहब, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम जो है वो खुद जो है चेंज करके चाइनीज बाल में रख दिए हैं। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना अभियान पर देंगे। कौन करते हैं पहली बार वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। चाइना से हम बातचीत करते हैं। आज भी चाइना ने अरुणाचल के 30 जगहों के नाम बदल दिए। 7 साल में ये चौथी घटना है। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में, हमारी सेना जो है वहां डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो तो जानते हैं क्या करना है। दोस्तों, आपने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को सुन लिया। उन्होंने बड़े ही सभ्य अंदाज में, बड़े ही शालीन भाषा में चीन को बताया कि हद में रहिए, चादर से बाहर पैर मत फैलाइए, वरना वहाँ आपके स्वागत के लिए तैयारी पूरी है। गोलगप्पे भिजवा दिए गए हैं जो आपको मन भर खिलाया जाएगा। अगर मैं उस जो कुछ भी इन्होंने कहा उसको बिल्कुल आम आदमी की भाषा में कहूं तो जयशंकर साहब ने कहा कि चुब्बे चाइना, ज़्यादा चपर चपर मत करो, जबान को कंट्रोल करो, नहीं तो हमारी भाषा बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन शुरू से ही विवाद पैदा करता रहा है। चीन का दावा है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा किया हुआ है। करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का चीनी इलाका भारत ने अवैध रूप से अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। जाहिर है चीन के बिना सिर पैर वाले इस दावे में कोई दम तो है नहीं, लेकिन टाइम टाइम पर वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर बयान जारी करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम अपने हिसाब से बदलता रहता है। ताज़ा मामला इसी 30 मार्च का है। चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स की इस खबर को देखिए। लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने जंगनान के इलाकों के नामों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। ये जो जंगनान नाम है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है। तो इस लिस्ट में उन्होंने हमारे अरुणाचल प्रदेश के 30 से ज्यादा इलाकों का चीनी नामकरण कर दिया। इसीलिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो वो मेरा घर तो नहीं हो जाएगा ना। जाहिर है चीन जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश को विवादों में घसीट रहा है। उसे भी अच्छी तरह पता है कि अरुणाचल भारत का अटूट और अभिन्न अंग है। खैर, अगर उसे प्यार से समझ में आ गया तो ठीक, वरना चीन अगर युद्ध चाहता है तो वो भी सही। हम तो तैयार हैं, क्योंकि चीन की तरफ से उसकी मीडिया जिस तरह की बातें कहती रहती है उससे तो यही लगता है कि चीन चाहता है कि भारत से लड़ाई हो जाए। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स से निकाले गए उसके पूर्व संपादक हु जिन को तो आप जानते ही हैं। शी जिनपिंग ने उन्हें लात मारकर ग्लोबल टाइम्स से बाहर कर दिया, पर बेचारे को अपना परिवार भी चलाना है तो वो गाहे बगाहे अपनी वफादारी साबित करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, वहां वो बहुत एक्टिव रहते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाया और ट्वीट किया कि सीनियर कर्नल वू कियान ने कहा है कि जंगनान तो प्राचीन काल से ही चीनी इलाका है, ये अरुणाचल प्रदेश कहां से आ गया? चुनाव की वजह से मोदी भारत चीन के बीच तनाव को बरकरार रखना चाहते हैं, न कि लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर सीमा पर लड़ाई छिड़ी तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा और यही अमेरिका भी चाहता है। वैसे चीनी मीडिया पिछले 1-2 महीने से लगातार भारत के खिलाफ ऐसी ही बयानबाजी कर रही है, खासकर ग्लोबल टाइम्स। देखिए, 24 मार्च को ही उसने खबर पब्लिश की कि चीन के जंगनान को लेकर एस जयशंकर ने जो बयान दिया है वो ठीक नहीं है, ये वोट लेने के लिए किया गया काम है।
इसके बाद 28 मार्च को फिर ग्लोबल टाइम्स खबर पब्लिश करता है कि चीन और भारत ने सीमा विवाद को लेकर इनडेप्थ बातचीत की है, लेकिन एस जयशंकर ने कहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जाहिर है, किस बात का कॉम्प्रोमाइज भाई। इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी चीन को बेहद ही कड़ा जवाब दिया गया है। जाहिर है, अगर चीन के विदेश मंत्रालय, चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए किसी भी तरह की बकवासबाजी की जाएगी तो इधर से मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा, और इस बार भी यही हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन को क्लियर कट मैसेज दिया गया। भारत के अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने का चीन का यह कदम सेंसलेस है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इस पर एक स्टेटमेंट जारी की गई और इसमें कहा गया है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयासों पर कायम है। हम ऐसे प्रयासों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। मनगढ़ंत नाम बताने से यह वास्तविकता नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। देखिए, अगर चीन को लगता है कि ऐसा करके वो भारत पर दबाव बना लेगा तो उसे भी भारी गलतफहमी है, क्योंकि फिर भारत की तरफ से किया जाएगा ना जो, वो चीन को और ज्यादा मुश्किल में डाल सकता है। क्योंकि जब चीन ने प्राचीन काल का जिक्र कर ही दिया है तो फिर भारत भी उसी प्राचीन काल में जाएगा, और फिर चीन का जो प्राचीन काल का नक्शा है उस नक्शे पर बात होगी, और जब चीन के प्राचीन नक्शे पर बात होगी तब चीन अपनी ही कई बातों पर पछताएगा, क्योंकि हमारे पास भी सबूत है, पूरी दुनिया के पास भी सबूत है कि भारत की सीमा कभी भी चीन से नहीं लगती है, बल्कि वो तिब्बत से लगती है जिस पर चीन ने कब्जा किया था, ये सबको पता है। चीन इसलिए पछताएगा क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि चीन ने अपने आसपास के किन किन देशों के जमीनों पर कब्जा करके अपनी सीमाओं को बढ़ाया है। चलिए चीन को एक बार फिर याद दिला देता हूं, ये जो चीन का नक्शा है तो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, चाइना प्रॉपर, बस असली चीन यही है। इसके अलावा उसका सब कुछ कब्जाया हुआ है। पश्चिम से शुरू करते हैं तो यहां उसने पूर्वी तुर्किस्तान की जमीन हड़पी, भारतीय हिस्से वाली पामीर वैली और साक्षम वैली उसने पाकिस्तान को दबाव में डालकर हड़प कर ली। लद्दाख में अक्साई चिन उसने भारत से 1962 की लड़ाई से पहले ही हड़प कर लिया। उत्तर की बात करें तो साउथ मंगोलिया का एक बड़ा हिस्सा उसने कब्जा कर लिया, मंचूरिया का इलाका उसने कब्जाया। साउथ की बात करें तो यूनान का हिस्सा हड़पा, मकाऊ हड़पा, हांगकांग पर कब्जा। हांगकांग में इसलिए तो बवाल मचा हुआ है, हांगकांग वाले मानते ही नहीं कि वो चीन के निवासी हैं। वहां पर चीन ताकत के दम पर बवाल को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर चीन ने अति कर दी तो मजबूरन भारत को भी अति करनी होगी, और यह चीन की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत जिस तरह चीन सीमा से सटे इलाकों में डेवलपमेंट के काम कर रहा है उससे चीन बौखला गया है। आपको पता ही होगा कि भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरह जोर दिया है और किस तरह उसमें काम किया जा रहा है। चीन की जो ताजा बौखलाहट है ना कि ये सब माहौल जो बनाया जा रहा है अरुणाचल को लेकर, वो पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे के बाद ही हुआ है। पीएम मोदी अरुणाचल गए और उनके दौरे के बाद चीन की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो और ज्यादा बढ़ गई। ये तस्वीर देखिए क्या लिखा है इस पर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेला टनल। दाहिनी तरफ आपको टनल का एंट्री पॉइंट भी नजर आ रहा होगा। दोस्तों, यही है चीन की बढ़ती टेंशन की वजह। इसी 9 मार्च को पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में थे और यहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें से एक ये सेला टनल भी है जो समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर चीन सीमा के बेहद करीब बनाई गई है। सेला टनल के बनने से असम का तेजपुर और अरुणाचल का तवांग आपस में कनेक्ट हो गए हैं। करीब 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह टनल दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। आम लोगों को तो इस टनल का फायदा है ही, चीन से युद्ध की स्थिति में इसके जरिए भारतीय सेना ना सिर्फ जल्दी सीमा तक पहुंच जाएगी बल्कि इससे रसद पहुंचाना, गोला बारूद पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। कम वक्त में सामान सीधे बॉर्डर पर पहुंच जाएगा, और सबसे बड़ी बात, ये टनल ऑल वेदर टनल है, यानी हर मौसम में ये ऑपरेशनल रहेगी। अब समझ में आया कि चचा जिनपिंग काहे इतना टेंशन आ गए हैं। और रही सही टेंशन, अमेरिका ने तो ऑलरेडी बढ़ा दी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के मामले पर अमेरिका भी भारत के साथ है और वो खुलेआम चीन को बता रहा है कि तुम भारतीय इलाके को अपना इलाका कैसे बता सकते हो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वेदांत पटेल, उनकी प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, उसमें एक चीनी पत्रकार ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर सवाल पूछ लिया।
अमेरिका की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया गया आप भी सुन लीजिए. United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. देखिए, किसी भी विवाद में डिप्लोमेसी बहुत मायने रखती है. चीन और भारत के बीच भी लगातार बातचीत जारी है. ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत लगातार जारी है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री के लेवल पर भी. साथ में यह भी गौर किया जाता है कि कौन कौन से देश किसके साथ हैं. फिलहाल भारत का पलड़ा बेहद मजबूत नजर आता है. आपको याद होगा अभी थोड़े ही दिन पहले खबर आई थी कि भारत ने 10,000 अतिरिक्त जवान एलएसी पर भेजे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? जाहिर है गर्मी का मौसम आ गया है, बर्फ जो है वो पिघलने लगी है, चीनियों की तरफ से कोई ना कोई हरकत होने वाली है, ऐसा अंदेशा भारतीयों को लगता है, इसीलिए नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं. और रही बात अरुणाचल प्रदेश की, तो जैसे ही वहां के युवाओं ने सुना कि चीन ने जगहों के नाम बदले हैं, तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया है. आप भी सुनिए. चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल बोलो का पार्ट है, ऐसा नहीं है. अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा. जय हिंद जय भारत. अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा, और हम इंडियन हैं और इंडियन ही रहेंगे. चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा. चाइना बोल रहे कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही है, और हम लोग इंडियन ही रहेगा. सुन लिया आपने, संदेश एकदम क्लियर है. अरुणाचल के लोग भी हमारे हैं और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है. चीन को ज़्यादा खुजली मच रही है अगर, तो उसकी खुजली शांत करने के लिए हमारी सेना जो है वो एलएसी पर मौजूद है. चीनी अगर लठ वाली भाषा समझते हैं तो लठ तैयार हैं. जैसा अभी कुछ महीनों पहले आपने वीडियो देखा होगा, तसल्ली बख्श लठ सेवा हमने दी थी अपने चीनी दोस्तों को, तो अब की बार उससे भी बेहतर सेवा देने के लिए हम तैयार हैं, और सर्विस की गारंटी मैं लेता हूँ. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर जवाब हाँ में है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इससे हमारा हौसला बढ़ेगा. ये एकदम फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते हैं. और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे. जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ. नमस्कार, जय हिंद. चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब. मेन मुद्दा तो पता चल गया कि जो हाल ही में चैनल का जो उद्घाटन किया था मोदी साहब ने, असल में चाइना को वो दुख रहा है कि भाई अब जो है अरुणाचल, क्योंकि सारा साल का जो अब जो है आना जाना चला रहेगा. कनेक्टिविटी जो पहले मौसम की वजह से छह महीने बंद हो जाती थी, अब वो सारा साल कोई दिक्कत नहीं, हर मौसम में वो काम करेगा. दो डबल लाइन जो है वो टनल बन चुका है, और है भी लंबा चौड़ा, खर्चा भी काफी. बिल्कुल बाकी उतार 800 करोड़, 8 से 2500 करोड़ बहुत ज्यादा पैसा लगाएगा. पैसे टनल बनाना है, पहाड़ को काट के, पहाड़ का मतलब पेट ही काट दिए. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अब जो देख रहे हैं, पहले अगर घूम घुमा गया ना तो कितना टाइम लगता, अब सीधे ही जाएंगे भाई साहब शाम करके. भाई साहब आर्मी के लिए दिक्कत नहीं हो गई कोई, आर्मी के लिए उसको राशन पानी हथियार वगैरह या कोई अगर, वो तो वीडियो में बता ही रहे थे उस टाइम पे. लेकिन एक बात है तारक, ये सारे कंट्री करते हैं, इंडिया कश्मीर को अपने हिस्से में दिखाता है, पाकिस्तान कश्मीर को अपने हिस्से में दिखाता है. तो चाइना ने कह दिया तो उससे थोड़ी ना, इंडिया का हिस्सा है. और बाकी एक वीडियो मैंने देखा, लोग भी भाई साहब इंडिया के साथ ही है, जो जितने स्टेटमेंट लोग दे रहे थे अरुणाचल के वो बोल रहे हैं इंडिया का सिक्का उधर चलता है. अच्छा भाई, एक वीडियो देखी थी जिसमें ये था कि जो ये अरुणाचल वाला हिस्सा है ना, ये तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, और किसी राजा ने दिया था ये पार्ट. अब इस तरह मिलाया था या क्या हुआ था, ये हिस्सा उस वक्त जो है इधर आया था, इंडिया के साथ मिला था. मतलब उस वक्त जब अंग्रेजों की गुम्मत थी उस टाइम के उस टाइम का ही है.
ये नहीं कि जब इंडिया बना उस टाइम का नहीं, ये तो पहले की उन्होंने मिला लिया है। हाँ तो बाद में अब देख रहे हैं अंग्रेजों के भाई साहब ने क्या कह दिया भाई, क्या इंडिया अंग्रेजों की हुकूमत के बाद बना है? नहीं नहीं मतलब भाई साहब ने अंग्रेजों के टाइम पे ये मेरे ख्याल में वीडियो गोरा तिब्बत का ये हिस्सा था जब गोरों की हुकूमत थी उस वक्त उन्होंने ये अपने साथ तवांग वाला एरिया जो है वो मेरे ख्याल में लिया था या इस तरह का कुछ थी वो वीडियो जिसमें वो बताया गया था कि जो ज्यादा जो एरिया ना वो बुद्धिस्ट के रिलेटेड बहुत जो है वो फेमस है, ये इबादत गाहें हैं जो बुद्धिस्ट हैं। तो चाइना की मेन जो फोकस है ना वो उसी एरिया पे है ताकि वो बुद्धिस्ट को जो उनकी इबादत का आना जाना आसान, क्योंकि ऐसा ना कि जो तिब्बत पे कब्जा किया है ना चाइना ने तो उनका झुकाव इंडिया की तरफ ना इंडिया ये भी कहता है उनकी प्लानिंग ये भी है कि हम किसी ना किसी तरीके से तिब्बत को आजाद करवाएं। तो लेकिन वैसे तो तारक भाई चाइना ने वो एक रूस का भी कुछ इलाका है और सारे एरिया भी ये भी हमारी है रूस का एक पूरा एरिया तीन चार रोड बोला हुआ है अभी तक समझदार उसका तो वो तो ऐसी ऐसी जगह पे भी क्लेम करता है जिसके साथ उसका बॉर्डर नहीं लगता, 20-25 कंट्री के साथ तो इसके बाउंड्री के विवाद चल रहे हैं। ये खराबी है भाई, अगर इस खिते में भाई साहब चाइना खराबी ना ना करे, हालांकि पता भी है कि इंडिया जो है वो उसका अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और जो है अगर चाइना जो है इंडिया को ज्यादा पुश करेगा तो फिर अमेरिका की तरफ ये इंडिया को जाना पड़ेगा। अगर ये मिल बैठ के अपना मामला सॉर्ट आउट कर लें तो ना भाई साहब इंडिया का रुझान अमेरिका की तरफ हो, ना इनके रिलेशन खराब हो, ना ये जब भी लड़ाई होगी ना, अब देख अमेरिका ऊपर से आके इंडिया चाइना का कितना नुकसान कर लेगा, इतना ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाइना और इंडिया के बॉर्डर साथ में लगते हैं, चलो ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत लगते हैं, इनकी जंग होगी तो भाई साहब ये पूरा खत्ते ही उजड़ जाना है। ऐसे ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी, अब ये जंग होगी ना ये छोटी मोटी रखने वाले दोनों कंट्री की इकॉनमी भी बढ़ रही है ऊपर से ब्रिक्स के। अगर जिस तरह चाइना ग्रो कर रहा है साथ में मिला है इंडिया को उसको भी अपने साथ, हालांकि इंडिया ज्यादा ग्रो ये तो बस ऐसे है अभी भी यूरोप और अमेरिका के पास ज्यादा ही है भाई साहब, जिस तरह ये बयानबाजी कर देते ना, इधर से नाम चेंज कर दिया, इधर से बैठ के ये बयान दे दिया, डॉक्टर साहब ने बयान दे दिया, उधर से इससे दूरियां बढ़ती। नहीं 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 बस आपस में लोगों को सोशल मीडिया पर इस तरह भटकाते रहे, कोई नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि किसी का आपके घर का नाम जो है वो मैं बदल नाम छोटी सी दी है बात, लोग कोई धमकी नहीं दी, कोई कुछ भी नहीं कहा, मीडिया का काम ही थोड़ा बढ़ा के एक चाटा लगा के बोलते ना तेरा साला इस तरह के चाटा लगाते हैं, भाई बातें भी छुरे की तरह लग जाती है, जो चार्ट लगाए जाते हैं उसका असर इतना है जो सिर्फ जहाँ पर जो क्या उभरी जाती है जो दिखावे की चार्ट होती है ना उसका असर भाई साहब खत्म होते ही नहीं, तो भाई साहब वर्ड जो है वो चाटे से ज्यादा खतरनाक होते हैं, ऐसे बात कर ले भाई साहब मारने वाले भूल जाता है, भाई जो उठाई जाती है ना वो भाई ज्यादा तेज उसका असर। बात ये है कि भाई ये अपने मीडिया को जवाब दे रहे थे इस तरह ये भी कर देते भाई ये हमारा है हमारा ही रहेगा, ने तिब्बत का कर देते हैं, हां ये हमारा है। वैसे एक धार्मिक जगह है कैलाश पर्वत, हालांकि हिंदुस्तान का काफी लगाव भी है कि उधर जो है वो धार्मिक स्थल भी है थोड़ा सा, मैं तो कहता हूँ वैसा इंडिया उसकी क्लेम कर दे कि ये हमारा है, हमारे भगवानों के साथ इसका लगाव है, जो जोड़ है हमारे धार्मिक स्थल है ये हमारा हिस्सा है, तो फिर हो सकता है वो चाइना जो है थोड़ा सा बदल जाए, लेकिन ये भाई साहब जिस तरह छोटी छोटी बातों में तू मैं ये सिर्फ ना इधर उधर से ना, क्योंकि भाई अवामी चूर्ण देना होता है, इस तरह वो दिया था इमरान खान ने अपनी पूरी कौम को,
आज के बाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया जाएगा। चाइना भी नाम बदल रहा है, उसको कोई मिल गया। जब तक भाई साहब सिक्का अपना नहीं चलाएंगे तब तक नहीं मिलेगा। बातें इतनी मर्जी कर, इतनी मर्जी, हम भी कह देंगे बैठ के भाई साहब इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या ये आपस में हमारा है, हम उसका नाम चेंज कर देते हैं, रख देते हैं, ये भी पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान नहीं होगा। अच्छा फाइनल रिजल्ट क्या, आप ये दोनों मतलब इस खिते को इस जो है इलाके को लेकर लड़ेंगे? नहीं, हालांकि एक साल और पीछे कब्जा करके फिर वापस हो गया था। बर्फबारी हो जाती है, उनकी फौज भाग जाती है तो मारे जाते हैं उधर, इंडिया फेल देता फिर, इसलिए उन्होंने वापस करना पड़ा। लेकिन वो नजायज कब्जे के हिसाब से लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में कब्जा ग्रुप के नाम से मशहूर ना हो जाए। पहले थोड़ा मशहूर है वो, अभी तो ताइवान के, हालांकि कितनी मुश्किल से जंग जीत भी गए थे तो वो कब्जा ले भी ना फिर पीछे हट गए। अगर भाई यही बात है भाई, अगर उस दौर में चाइना इस तरह जगह ले सकता है तो आज भी अगर अटैक करे चाइना, आज भी इकॉनमी वाइज तगड़ा है, आर्मी वाइज भी तगड़ा है। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इंडियन आर्मी से नहीं ले सकता, ले भी सकता, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं, लेकिन करेंगे भी नहीं, सिर्फ बातों की हद तक है जी, और कुछ नहीं करने वाले। उनको पत्रा मतलब ये जंग जो कोई नहीं बैठा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका है इन दोनों की तकरीबन, और उसके मुकाबले में ये कमजोर नहीं होना चाहते और स्ट्रॉन्ग होना चाहते। बॉर्डर पर तनाव वाला, हाँ जरा देखो बॉर्डर पे तनाव है क्या, किसी वो कंट्री में चुनाव है क्या, ये इस तरह का खेल तो चुनाव ही खेल रहे हैं। चुनाव की वजह से ना ये उधर उधर की बातें होती रहेंगी, हमने उसको आंखें दिखा दी, उसने हमको आंखें दिखा दी, बस यही चलता रहेगा। इस तरह पाकिस्तान में बाजवा साहब की 3 साल बढ़ाए थे ना दूसरे ने, खान साहब ने, कि भाई इंडिया के साथ जंग छिड़ रही है, ये तजर्बाकार है, ये अच्छे से लूटेगा। तो ठीक है भाई, अपनी रूम तक कॉमर्स सेक्शन में मिलते रहे, तब तक इजाजत दें।